यो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के ऊपर। क्या है सोलो लेवलिंग, क्यों इतना पॉपुलर है ये और क्यों ये इतना खतरनाक है। ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। Hi guys, this is Ronak and I make anime content for India. अगर आपको एनिमे देखना पसंद है तो आपको इस चैनल में बहुत मजा आएगा। अगर आपको एनिमे देखना नहीं पसंद है तो इस चैनल की कोई भी एक वीडियो को ट्राई जरूर करना, क्या पता है एनिमे आपको पसंद हो जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सोलो लेवलिंग, इसका जो नाम है सोलो लेवलिंग, कितना किलर नेम, मतलब खुद सोचो सोलो लेवलिंग। ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब थोड़ा ये गेमिंग से रिलेटेड है, मतलब वीडियो गेम से रिलेटेड है सोलो लेवलिंग। चलो बताते हैं। तो सोलो लेवलिंग जो है ये मानवा है। मानवा क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि मांगा का कलर्ड फॉर्म। बस अंतर क्या है कि मांगा को हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन। इसको हमें पढ़ना है ऊपर से नीचे स्लाइड करते हुए, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, प्लस कलर्ड फॉर्म होती है तो थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव हो जाता है। कोरियन की मांगा जो होती है वो उन्हें हम मानव बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। कोरियन की मांगा जो है उसे हम बोलते हैं मानवा। अब बात करते हैं सोलो लेवलिंग की। सबसे पहले मैं बता दूं गाइस आपको, सोलो लेवलिंग जो है, अगर जिस दिन इसका एनीमे एडाप्शन आया, किसी अच्छे एनिमेशन स्टूडियो ने इसका एनीमे एडाप्शन किया, यकीन मानो बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। अगर तुम वन पंच मैन के फैन हो, यकीन मानो तुम्हें ये जो मानवा है इसको तुरंत पढ़ना स्टार्ट करना ही करना चाहिए। वन पंच मैन में क्या है, फाइट्स हैं, एक्शन से भरा हुआ है। ठीक है, सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर आल्सो। इसमें भी तुम्हें फाइट मिलेगी, एक्शन मिलेगा, और क्या बोलूँ यार मैं, चैप्टर वन से ही तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाओगे। एक चैलेंज देता हूँ तुम्हें। चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि तुम्हें चैप्टर वन पढ़ना है, तुम्हें खुद को रोकना है चैप्टर टू पढ़ने से। हाँ, सही कहा मैंने। मेरा मतलब ये है कि तुम अगर इसका चैप्टर वन पढ़ लोगे तो चैप्टर टू पे अपने आप तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। ये उतनी खतरनाक है, मतलब चैप्टर वन से ही तुम इसमें तुम मतलब एडिक्टेड हो जाओगे। और एक बात बता दूं मैं आपको, मैं भी मांगा रीडर नहीं हूँ, मैं भी मांगा फ़ैन नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, बहुत ज़्यादा मतलब फील करके इन्जॉय किया है, फील करके। ऐसी ऐसी सीन्स आई हैं यार, रोंगटे खड़े करने वाली सीन्स आई हैं इसमें, रोंगटे खड़े करने वाली। मतलब बताता हूँ क्या है प्लॉट इसका। एक वर्ल्ड है जहाँ पे गेट्स होते हैं, गेट्स के थ्रू अदर साइड में जा सकते हैं, मतलब दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। वो गेट्स ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। ठीक है, किस लिए आते हैं, क्योंकि उस वर्ल्ड में दो लोग होते हैं, एक्चुअली तीन लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल, हंटर्स और मॉन्स्टर। ठीक है, मॉन्स्टर कौन होते हैं, मॉन्स्टर ही होते हैं, वो लोग तबाही मचाते हैं। हंटर्स कौन होते हैं, हंटर्स मॉन्स्टर को मारते हैं। और तीसरे लोग हैं ऑर्डिनरी पीपल, जो मतलब जिन लोगों को बचाया जाता है मॉन्स्टर वगैरह से। उन गेट्स के थ्रू मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं, इसीलिए जो हंटर होते हैं उन्हें गेट्स के अंदर जा करके पहले, बॉस को तो बाद में मारते हैं लेकिन बॉस से पहले जो उसके सोल्जर्स होते हैं उनको मारना पड़ता है, उसके बाद बॉस को मार करके फिर गेट क्लोज हो जाता है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो वो बॉस के साथ जो उसके सोल्जर सब रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे। इस दुनिया में जो हीरो हैं बहुत कॉमन है, इतने कॉमन है कि इनको रैंकिंग दे दी जाती है। रैंकिंग जैसे जापान का नॉर्मल रैंकिंग सिस्टम होता है, एस सबसे बड़ा, सुपीरियर, फिर फॉलोड बाई ए बी सी डी ई, ई सबसे छोटा। तो जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो ई रैंक होल्डर होता है। ई रैंक होल्डर मतलब हीरोज में सबसे वीकेस्ट, और इतना वीकेस्ट कि वो उसे पूरे वर्ल्ड में सबसे वीकेस्ट हीरो बोला जाता है। हाँ, लेकिन वो हीरो तो है, ऑर्डिनरी पीपल से तो वो बेटर ही है, लेकिन वो है तो हीरो में सबसे वीक। ऐसी कोई फाइट होती नहीं है कि वो उस फाइट में जाए और खुद को इंजर्ड ना कर पाए, ऐसा होता ही नहीं। जितने भी मतलब गेट्स में जाता है रोकने के लिए मॉन्स्टर को, इंजर्ड होके आता है, उसकी दोस्त होती है, वो उसकी बहुत मदद करती है, वो भी हीरो होती है, उसका काम होता है हीलर, वो हीलर होती है। तो बेसिकली जितने भी इंजर्ड लोग होते हैं उनको हील करने का काम होता है उसका। उन गेट्स को घुसने के लिए आप, ऐसा नहीं है मतलब कोई सिंगल हीरो चला जाएगा गेट के अंदर, ऐसा नहीं है। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहाँ के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है कि उनको एक गिल्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। उस गिल्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपको ग्रुप ऑफ हीरोज़ के साथ जाना है उस गेट्स के अंदर, आप अकेले नहीं जा सकते। तो ऐसे ही करके ये जो ई रैंक होल्डर है, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो गेट्स में जाता है। अब गेट्स को भी इसमें मतलब कैटेगराइज किया गया है कि गेट्स वो
उसका मतलब लेवल क्या है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। डिफिकल्टी लेवल मतलब गेट्स के भी रैंकिंग है, जैसे ये डी ग्रेड का गेट्स है, ये ई ग्रेड का गेट्स है। इससे मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ई या डी रैंक का गेट है तो उसमें मतलब उसमें ई और डी वाले जो हीरोज हैं वो कंफर्टेबल हैं, जा सकते हैं, उनको मॉन्स्टरों को मार सकते हैं, उसी लेवल के मॉन्स्टरों के उनको मार सकते हैं, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा। सोचो यहाँ से एक थोड़ा सा पॉइंट सोचो, अगर बाई चांस तुम किसी गेट में जा रहे हो और तुम अंदर चले गए और ठीक है बाद में पता चला कि वो गेट एक्चुअल में डी नहीं वो बी हो गया है या ए हो गया है, सोचो तब क्या हाल होगा। यही सारी चीज़ें होती हैं इसमें, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। अब तुम लोग के मन में एक बात और होगी, वो बात ये है कि अगर ये इतना वीक है तो फिर ये हीरो ही क्यों है, इसको कोई और काम करना चाहिए। जब ये हर बार अपने आप को इंजर्ड कर लेता है तो जाहिर सी बात है कुछ और काम करें, वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसको दूसरा काम कुछ आता नहीं है। और दूसरी बात, उसकी एक बहन है जो स्कूल में है, एक माँ है जो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो दोनों का पैसे का मतलब अर्निंग के लिए उसे ये काम करना पड़ता है, क्योंकि हीरो जब मिशन उनका सक्सेसफुल होता है तो उनको रिवॉर्ड्स मिलता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो उन पैसे से ये अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा और अपनी माँ के इलाज का खर्चा दे रहा होता है, इसीलिए उसको बेचारे को ज़बरदस्ती करना पड़ता है फाइट, क्योंकि एक तो वो स्ट्रांग है नहीं, वीक है, उसके बावजूद भी यही सब आती हैं सर्कमस्टेंसेस जो उसको मतलब फाइट लड़ने में मजबूर कर देती हैं। अब बात करते हैं चैप्टर वन के थोड़ा सा आगे की पार्ट की, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, घबराओ नहीं। थोड़े से आगे पार्ट में एक ऐसी चीज हो जाती है कि वहाँ से जो मानवा है वो अलग ही लेवल पे चली गई, मतलब उसी से अलग ही लेवल पे चली जा रही है वो, और वहाँ से ही तुम एडिक्टेड हो जाओगे। मैं कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे आप एडिक्टेड हो जाओगे, बहुत खतरनाक एडिक्टेड हो जाओगे। तो सोचो मत, पढ़ना स्टार्ट कर दो। यकीन मानो मैं भी मांगा रीडर नहीं हूँ, मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो बहुत कंफर्टेबल लगा, क्योंकि एक तो स्लाइडिंग है, ऊपर से नीचे है, समझ में भी आ रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है और देखने में भी मज़ा आ रहा है। फाइट्स बहुत खतरनाक है इसमें, फाइट्स लिटरली बहुत बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत खतरनाक है। तभी मैंने बोला कि अगर इसका एनीमे आया तो यार आग लग जाएगी, सच में। अगर एक अच्छे एनिमेशन स्टूडियो ने, जैसे यूफोटेबल है, मापा है, इन सब ने अगर इसको एनिमेशन दे दी ना, रिकॉर्ड तोड़ देगा सारे एनिमे का ये, यकीन मानो मेरा, मतलब एक्शन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। सोलो लेवलिंग के अभी तक जितने मतलब एज ऑफ नाउ जनवरी 2021 में 135 चैप्टर अभी तक आए हैं, और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आते जा रहा है। तो स्टार्ट कर दो पढ़ना, और वीडियो पसंद आई लाइक जरूर कर देना, शेयर करो दोस्तों के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज, आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर सच में अच्छी लगी होगी तो वीडियो को तुम लाइक करोगे, अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करोगे, और अगर तुम इस चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।